ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको जय श्री राम। तो आज था हम सबके लिए सबसे बड़ा दिन, मतलब 22 जनवरी। और 22 जनवरी क्यों कहा से मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है, बट आज हमारे राम जी वापस आ रहे हैं अयोध्या। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप लोग को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। और कहते हैं ना, 14 साल बाद राम जी जब लौट कर वापस आए थे तो बहुत धूमधाम से यहाँ लोगों ने दीपावली मनाई थी। लेकिन सोचो, 500 साल बाद जब राम जी वापस आ रहे हैं फिर से, तो देश में एक अलग ही उत्साह होगा सबके अंदर। भले ही चारों तरफ सबको ही खुश हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पापा से ज्यादा आज कोई भी खुश नहीं होगा। और राम जी के आने की खुशी में आज चारों तरफ बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। तो मैं भी सुबह जल्दी उठ के नहा धो के चले गई थी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मंदिर गई और जाके पहले पूजा किया। इतना ज्यादा पॉजिटिव माहौल था आज चारों तरफ, मतलब वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे वॉइस ओवर करते टाइम भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि हर कोई आज खुश था यार। और आज हम सबके लिए दुगनी खुशी का दिन था, क्योंकि आज था सोमवार और महादेव का दिन हो और उनके दर्शन किए बिना मंदिर से जाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने महादेव के भी दर्शन किए, उसके बाद मैंने कुछ दिए लिए शाम के लिए, और उसके बाद रूम पे आके थोड़े बहुत मैंने डेकोरेशन किए फ्लावर से, और उसके बाद मैंने रूम पे भी पूजा कर लिया था अच्छे से। भीष्म पितामह तथा दुर्योधन जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह और फाइनली पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि प्रीवियस डे मेरा फास्टिंग था। कितना मस्त है ना, सब जगह भगवा लहरा रहा है हमारा, जय श्री राम। सब जगह एकदम पॉजिटिव सा माहौल बन रहा है यार। देखो यहाँ भी और उधर हमारा मंदिर, इधर भी सब जगह आज भगवा लहरा रहा है। और फाइनली शाम होते ही हम लोग ने दिए जलाना स्टार्ट किए। खुशी तो मुझे इस बात थी कि अब हम लोग साल में दो बार दीपावली मनाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुन आऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। फाइनली सारे दिए जला के सबसे पहले मैंने भगवान के आगे दिया जलाया, और आज मैं बस यही प्रे कर रही थी भगवान से कि जितनी खुशी आज देश में चारों तरफ थी ना, वैसे ही हर दिन रहे, हर दिन खुश रहे, और हर दिन दीपावली के रूप में हम लोग मना सके। बट खैर कोई बात नहीं। और सबसे पहले मैंने ना तुलसी पीड़ा में जाके दिए जलाए, बाकी मैंने रूम में भी सारे दिए जला लिए थे। और हम लोग ने डिसाइड किया कि बाहर जाएंगे देखने के लिए कि कैसा माहौल है चारों तरफ। फिर समीर आ गया था, तो उसके साथ में मैं मोहल्ले में गई, और हमारा मोहल्ला इतना खूबसूरत सजा था, चारों तरफ पूरी एकदम खुशियां ही खुशियां थी यार। मंदिर से लेके घर तक लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया था। सो फाइनली मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे मोहल्ले के साइड में। राम जी यहाँ पर इनकी मूर्ति फोटो बैठी थी, तो हम लोग यहाँ पर भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिली, तो प्रसाद ग्रहण किए, और यहाँ पर कुछ बच्चे पटाखे भी जला रहे थे, क्योंकि असली दीपावली तो आज ही है ना यार हमारा।
आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा, पता नहीं मतलब मैं वॉइस ओवर भी क्या करूं, बस खुश थी यार कि राम जी वापस आ गए थे और सब कोई बहुत ज़्यादा खुश था। लास्टली शोभा यात्रा देख के रूम आ गई थी, जय श्री राम।